चलो नमस्कार साथियों, और मैं सुनील टमटा और मेरे साथ विक्रम रावत जी। और आज एक बहुत ज्वलनशील और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके बीच, जैसा कि पूर्व सरकार द्वारा सरायखेत ब्लॉक शालदे जिला अल्मोड़ा के तहत एक आईटीआई खोली गई थी, और जो आईटीआई यहां पे थी, जैसे मैं आपको उस बिल्डिंग को भी दिखाना चाहूँगा। और ऐसे ही कई समय तक ये आईटीआई जो चल रही थी वो ऑक्सीजन पे चल रही थी, बहुत कम ट्रेड थे लेकिन चल रही थी, एक संचालित थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा है इस क्षेत्र का और हमारे यहाँ के युवाओं का कि उस आईटीआई को पिछले साल डबल इंजन की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, और हमारे क्षेत्र के लोग युवा साथी यहाँ से दूर दराज को जाने को मजबूर हैं। आखिर हमें समझना होगा कि जहाँ हम आईटीआई से आगे बढ़ के पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, और आगे हम कई क्षेत्र में जो प्रोफेशनल डिग्री हैं जो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती हैं उसकी बात करते हैं, और लेकिन बड़ा सोचने भी से ये है कि जो हमारे पूर्व की भी जो संस्थाएँ हैं, सरकारी संस्थाएँ हैं, उनको भी बंद कर दिया जाता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे क्षेत्रीय जनता से और लोगों से इस तरह की अपील है, युवा साथियों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें कि ये मुद्दा ठीक है या नहीं है, या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आजकल लोग इन विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं, लोग जो क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्या हैं, जो हमारे युवा साथी यहाँ क्यों रुकेगा, कैसे रुकेगा, आखिर इस क्षेत्र का प्लान कैसे रुकेगा, तो उन विषयों पर हमको बात करने की ज़रूरत है। और पुनः हम इस संदर्भ में हम पत्र भी लिखेंगे और उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और हमारा यही निवेदन है डबल इंजन की सरकार से कि आप जो आईटीआई थी यहाँ पे उसको पुनः स्थापित किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के युवा साथियों को यहीं आईटीआई करने का मौका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।